देर आर टू कंटेनर्स एक्स एंड वाई। चलो दो कंटेनर है, क्या कंटेन कर रहे हैं ये? पहला वाला कंटेन कर रहा है 100 ml ऑफ मिल्क। दिस कंटेन्स 100 ml मिल्क। सेकेंड वाला, वाई कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर। वाई कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर। ऑल राइट, अब सिनारियो देखते हैं क्या हो रहा है। बोला जा रहा है आपने 20 ml ऑफ मिल्क एक्स से वाई में ट्रांसफर कर दिया, तो अगर यहाँ से 20 इस तरफ जा रहा है दैट मीन्स अब ये 80 बन गया। ऑल राइट, और ये कितने बन गए? इसमें 20 ऐड हो जा रहा है, 20 ml ऑफ डिफरेंट लिक्विड बिकॉज वी आर एडिंग मिल्क हियर। अब इनको आपने मिक्स कर लिया, ऑब्वियसली इसमें जा रहा है तो मिक्स हो जाएगा। अब इस मिक्सचर का आपने 20 ml वापस से ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? तो सबसे पहले यार मिक्सचर में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें समझ लेते हैं। अगर मैं अभी वाई कंटेनर की बात करूं जहां पे मिक्सचर बन रहा है, तो वाई कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, मिल्क है मेरे पास 20 ml और ये है 100 ml। रेशियो क्या बन गया? 1:5। 1:5 के रेशियो में ये कंटेंट थे। अब मिक्सचर में ये बोला जाता है कि अगर आपने कोई भी क्वांटिटी इससे बाहर निकाला, कोई भी क्वांटिटी आप पिक करते हो, लेट्स से 20 ml, 10 ml, 5 ml, तो उसी प्रपोर्शन में ये कंटेंट होंगे मिल्क और वाटर। मिक्सचर में इसी प्रोपोर्शन 1:5 के रेशियो में प्रोपोर्शन में ये कंटेंट होंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 20 ml ऑफ मिक्सचर की, तो बस मुझे ये देखना है कि इस 20 ml में मिल्क कितना है और इस 20 ml में वाटर कितना है। तो मिल्क के लिए मैं लिख सकता हूँ 1 parts out of 1 + 5, 6 parts into 20 ml। वाटर कितना कंटेंड है, तो वाटर के लिए मैं बोल सकता हूँ 5 parts out of 1 + 5, 6 into 20 ml। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 into 20 इज 10/3। 10/3 का मतलब है 3.33 ml। 5/6 का मतलब है अगेन इट इज 10/3। 10 into 5 50, 50/3 बन गया मेरा 16.66 ml। दोनों का ऐड कर दो, ये 20 ml के बराबर हो जाएगा। आई फील आप ये क्लियर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अच्छा आप देखो इस वाले पार्ट में एक्स की अगर मैं बात करूँ तो 3.33 ml ऑफ मिल्क और आ गया इसमें, सो 3.33 ml। ये कितने बन गया मिल्क अगर मैं कंटेन करूँ, 83.33 ml मिल्क इसमें। इस वाले कंटेनर में वाई में, वाई से आपने जिसमें 100 ml ऑफ वाटर है, 20 ml ऑफ मिल्क है, उससे 16.66 ml ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो कितने एक्चुअल में बच रहे हैं? 83.33 ml ऑफ वाटर इज रिमेनिंग एंड 16.66 ml ऑफ मिल्क इज ऑल्सो रिमेनिंग, और यहाँ पे भी वाटर ऐड हो रहा है। चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ़ एम डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन एक्स, प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन एक्स इज डिनोटेड बाई एम। एन डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन वाई, एन ये रहा। दोनों की वैल्यू कितनी है? 83.33। तो ऑप्शन ए एम इज इक्वल टू एन सीम्स टू बी द करेक्ट फिट हियर।